तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना, तो उनके हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो ये जो एमसीक्यू आपके होंगे ना, तो जो आपके माइनर, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस माइनर में है और तो आप एक बार उसका सिलेबस देख लीजिएगा, शायद वो अगर आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं आपके सिलेबस में, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और नहीं तो अगर आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं, एक दो दिन में या फिर इसी महीने हैं या फिर कभी भी हैं, तो आप इसको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपका एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है, तो हाँ आप इसको एक नॉलेज की तरीके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये पूरा एमसीक्यू होने वाला है, तो इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें शायद एक पार्ट या दो पार्ट में ये होगा। तो ये इंग्लिश में आपके लिखे हुए होंगे, लेकिन हम दोनों भाषा यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाई, तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तिलक, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा कौन से, राजा राम मोहन राय, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। आपको ये याद कर लेना है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और जो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेगा, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि वो वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हीगल, मतलब हीगल के समकालीन कौन थे। तो हीगल अब कौन थे, अब आपको हम ये बता दें, तो हीगल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अब जब पढ़ेंगे, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचार जब हम पढ़ते हैं ना, वेस्टर्न वाले यानी कि जो पश्चिमी हैं, यूरोप के हैं साइड के जो विचारक थे, तो उनको हम कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो यहाँ पर कौन है, राजा राम मोहन राय को हीगल के समकालीन, यानी उन, अब समकालीन क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, कोरोना के समकालीन, मतलब जिस समय कोरोना था उसी समय हम लोग भी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के समकालीन कौन थे, हीगल, हीगल के समकालीन राजा राम मोहन राय। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा राम मोहन राय वाज बॉर्न इन 1883, 1772, 1750, 1790। तो यहाँ पर 1883, 1772, 1750 या फिर 1790। अब सही आंसर इसका क्या होगा, आंसर बी। तो यानी कि बी है कि 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। तो आपको आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। ये केवल एमसीक्यू की तरीके है, इसमें अब हम अगर आपको समझाएंगे पूरा चीज़ को तो उसमें टाइम लगेगा। अब अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अब आपके पास बस एक यही चाह रहा है कि आप इसको रट लीजिए। आप अगर इस वीडियो को दो तीन बार देखेंगे तो आप इतना तो तय है कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन ऐसा आता है, कुछ इससे रिलेटेड आता है, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करके आएंगे। क्योंकि अभी हम जो इसके बाद धीरे धीरे वो तो हम लाएंगे वीडियो, हर एक टॉपिक पर वीडियो आएगी, वो पूरी डिटेल्ड वीडियो रहेगी। अभी तक हमने टोटल 3 वीडियो लाए हैं, जिनमें हम मनु, कौटिल्य और शुक्र के बारे में, शुक्र के राजनीतिक विचार आपको हमने बताएं पूरे डिटेल से, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम समय है, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को केवल रटिए, क्योंकि अब आपका यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पेपर आपका एक बार हो जाए, फिर आप उसके बाद जो भी करना है आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रेनेसा, यानी कि जो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती, तिलक, राजा राम मोहन राय या फिर गांधी जी। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण, फादर ऑफ रेनेसा, ठीक है। चलिए, हु इज फाउंडर ऑफ अमित आत्मीय सभा, यानी कि आत्मीय सभा का फाउंडर कौन थे। तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक या गांधी जी। तो इसका सही आंसर क्या है, राजा राम मोहन राय, आंसर बी। आत्मीय सभा के जो फाउंडर थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं, तो छठा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न इन, यानी कि उनका, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था,
1863, 1772, 1770 या 1853। सही आंसर होगा ए, यानी कि 1863। 1863 में जो हुआ था किनका जन्म, विवेकानंद जी का। और 18 अगर हम बात करें 69 में किसका जन्म हुआ था, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपको एक हिंट देते हैं, 2 अक्टूबर 1869 में किसका जन्म हुआ था, आपको नीचे कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज रिगार्डेड ऑन द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तिलक, टैगोर, गांधी जी या फिर स्वामी विवेकानंद? तो आंसर डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद को इंडियन नेशनलिज्म का प्रोफेट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिलोसोफर हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन, यानी हिंदू नेपोलियन किस दार्शनिक को कहा गया है? तो तिलक, नेहरू या स्वामी विवेकानंद या फिर गांधी जी? तो स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम वाज रिटन बाय, मतलब एक बुक है ये ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, तिलक, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, टैगोर, तिलक, नेहरू? आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले को, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु होते ना, उनको माना जाता है। ये 10 क्वेश्चन हो गए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कांग्रेस लीडर हु प्रिसाइडेड ओवर द बनारस कांग्रेस सेशन इन 1905। 1905 में किसने जो बनारस का कांग्रेस का वो हुआ था अधिवेशन, उस पी की अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर नेहरू? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो 1905 में बनारस का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि ये किसके थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वो इज कंसिडर्ड एज द अपोस्टले ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, टैगोर, तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर नेहरू? तो नेहरू को कहा जाता है अपोस्टले ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक सोसाइटी, एक तरीके से संगठन है, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, गांधी जी ने की थी, बी आर अम्बेडकर या फिर नेहरू? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमने, तीन लगातार क्वेश्चन हम देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, कि पहले तो गांधी जी के गुरु थे, सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था कि 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1906, 1905, 1915, 1916। तो 1906, 1905, 1915, 1916, यानी कब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। कब की? 1905, 1905 में अभी हमने पढ़ा था ना, 1905 में अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, रामकृष्ण मिशन जो था ना वो किसने उसकी उसको फाउंडेड बाय किसने बनाया था, किसने शुरू किया था? गांधी जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की।
वो सपोर्टेड स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था? तिलक, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो दयानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, संकारन या फिर रविंद्रन? तो नरेंद्रनाथ दत्त जो था उनका असली नाम था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब स्थापना की गई थी? 1897, 1901 या फिर 1898? सही जवाब है 1897 में, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था। ये 15 नंबर क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द फिलोसफर हु बिलीव्ड दैट फ्रीडम इज द की नोट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि उस फिलोसफर का नाम बताइए जिसने ये कहा, ये बिलीव किया कि जो फ्रीडम है ना, जो स्वतंत्रता है, इज द की नोट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वो एक जो आध्यात्मिक जीवन है ना, उसकी एक कुंजी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, नेहरू, अंबेडकर, विवेकानंद? तो ऑप्शन जो डी है, यानी कि विवेकानंद जी ने ये कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब ये टू नेशन थ्योरी ये तो हम पढ़ेंगे एक बार डिटेल से, अच्छे से आने वाली वीडियोज में, लेकिन अभी आपको केवल इसको देखना है, एक बार अपने दिमाग में ये चीज डाल लेनी है कि वो इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो जो मेन इसके कौन थे, तो विवेकानंद, गोखले, गांधी जी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो दो नेशन जो थ्योरी थी ना, इंडिया पाकिस्तान, तो इसके मेन मोहम्मद अली जिन्ना, इसके मेन जो इस बात को रखने वाले थे, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदुत्व आज एक्सपाउंडेड बाई, किसके द्वारा? वी डी सावरकर, तिलक, गांधी जी, नेहरू, किसके द्वारा ये? तो ये ऑप्शन ए, वी डी सावरकर के द्वारा, जो हिंदुत्व की एक डॉक्ट्राइन है उसको एक्सपाउंड किया गया, उस पर लेख एक्सपाउंड किया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म वाज एक्सपाउंडेड बाय, द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो इसकी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो गोखले, विवेकानंद, सावरकर या फिर नेहरू? ऑप्शन सी जो है, सावरकर, ये एकदम सही होंगे, इनके द्वारा ये दी गई। वी डी सावरकर के बारे में, वी डी सावरकर वाज बॉर्न इन 1883, 1883, 1888, 1870, 1883, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न इन लाहौर, बॉम्बे, दिल्ली, कराची? तो जिन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची, पाकिस्तान बंदरगाह कराची। इन विच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड टू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बॉम्बे? 1910, 1914, 1919, 1924? तो ए ऑप्शन 1910 में मोहम्मद अली जिन्ना को इलेक्ट किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन किए, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, और देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, तिलक रिगार्डेड डैट स्वराज वाज नॉट ओनली अ राइट बट आ, मतलब तिलक ने कहा कि स्वराज केवल, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कहते हैं कि जो स्वराज है वो केवल एक राइट नहीं है, लेकिन और है, क्या है? जस्टिस है, न्याय है, धर्म है, पावर है या स्टेटस है, एक स्थिति है केवल। सो ऑप्शन जो बी होगा ना, धर्म, गो होगा, यानी कि तिलक कहते हैं कि स्वराज केवल एक राइट नहीं है बल्कि एक कर्तव्य भी है, धर्म, धर्म का मतलब कर्तव्य हम मान सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, श्री नारायण गुरु वाज बर्न इन शिवागिरी अरुविपुरम चिन पांजनिठी कोल्लम। तो ऑप्शन सी आपका सही है, चेम पाजनिठी, ये आप प्रोनंसिएशन थोड़ा हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। SNDP योगम वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, SNDP योगम को कब बनाया गया, तो 1903, 1896, 1914। तो ऑप्शन जो आपका ए है ना, 1903 में SNDP योगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद द डॉक्ट्राइन ऑफ राम राज वाज एक्सपाउंडेड बाई तिलक, गोखले, गांधी जी, नेहरू। राम राज्य का जो सिद्धांत था वो किसने दिया, तो गांधी जी ने कहा था कि राम राज्य ऐसा होगा। नेक्स्ट, हु इज द कैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म, सो जिन्ना, नेहरू, सावरकर या फिर तिलक। सो ऑप्शन जो बी है ना, नेहरू, ये थे कैंपियन किसके, सेकुलरिज्म, यानी कि जो धर्म निरपेक्षता होती है या पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं। हु रिगार्डेड द विलेज एज द सेंटर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, गांधी जी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर तिलक। तो ऑप्शन ए, तो गांधी जी एक तरीके से जिनके उसमें जो पंचायत है उनकी स्थापना की गई, तो दैट इज आप कह सकते हैं विलेजेज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन्होंने कहा था जो इकोनॉमी है ना अर्थव्यवस्था के, उसका जो सेंटर है वो क्या है, गांव है, क्योंकि गांव से ही मेन उनका मानना था कि सब कुछ चलता है। चलिए अब आगे देखते हैं, गांधीजी इज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल क्रीड, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, अ मैसेज, थ्योरी, वर्किंग क्लास मूवमेंट। तो ऑप्शन जो बी है, डेट गांधीजी इज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल क्रीड, ये केवल एक पॉलिटिकल क्रीड नहीं बल्कि यह एक मैसेज भी है, गांधीजी, गांधीवाद। नेम द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वीडी सावरकर, वीडी सावरकर के वर्क इम्पॉर्टेंट क्या हैं, प्रिंसेस पॉलिटिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदुत्व, दैट इज हिंदुत्व जो उनका मेन वर्क था। हुए जो रिगार्डेड एज द प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर, नेहरू, तिलक, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी। तो जो आप कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर थे ना, वो कौन थे, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, वो कंडेम्ड गांधीजी एज अ रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी, किसने ये कहा या माना कि गांधीजी एज अ रेशनली सोशल फिलॉसफी। सो गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. रॉय, नेहरू, लोहिया, तो एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक या फिर एम.एन. रॉय या फिर जयप्रकाश नारायण। तो एम.एन. रॉय के द्वारा इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वाज फाउंडेड इन, मतलब ये भी एक थ्योरी है, टोटल रेवोल्यूशन मतलब पूरी तरीके से कहा, पूर्ण संपूर्ण क्रांति। सो दैट इज किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई, एक्सपाउंड की गई, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, गांधी जी या फिर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। सो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये टोटल रेवोल्यूशन की जो डॉक्ट्राइन है वो एक्सपाउंड की गई। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब ये एक पार्टी थी जो कि किसके द्वारा बनाई गई, तो और राम मनोहर लोहिया, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो एम.एन. रॉय के द्वारा ये कौन सी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडिपेंडेंट इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी भी स्थापना एम.एन. रॉय। और आप अगर बात करें यहाँ पर इनकी जो ये क्वेश्चन, हाँ टोटल रेवोल्यूशन, तो जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन था ये एम.एन. रॉय
के द्वारा फाउंड किया गया। हु इज द चैम्पियन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन दो ह्यूमन रेवोल्यूशन, मतलब कि सामाजिक क्रांति मानव क्रांति के द्वारा, ये किसकी थ्योरी थी? तो एम एन रॉय लोहिया, जयप्रकाश नारायण नेहरू। तो जयप्रकाश नारायण ने सोशल रेवोल्यूशन दो ह्यूमन रेवोल्यूशन की बात कही। जिन्नाज टू नेशन थ्योरी वाज एडॉप्टेड ऑन 1935, 1940, 1925, 1947। तो 1940 में जिन्ना की जो वो थी कि दो देशों की वाली बात, तो उसको एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया था 1940 में, और 1947 में हम को दो भागों में बांट दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर स्टेट वाज एडवोकेटेड बाई, मतलब स्टेट के फोर पिलर जो होते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा लाया गया, एडवोकेट किया गया? तो लोहिया, एम एन रॉय, नेहरू, अंबेडकर। सो लोहिया के द्वारा, किनके द्वारा? लोहिया, राम मनोहर लोहिया। विच कंसीडर्ड जिन्ना एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कहा? गांधी जी, तिलक, गोखले, विवेकानंद। तो गोखले जी ने माना था। जिन्नाज टू नेशन थ्योरी वाज एडॉप्टेड एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, डेक्का रेजोल्यूशन, या फिर डिक्लरेशन, या फिर बॉम्बे। सो पाकिस्तान, वो तो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन 1939, 1940, 1941, 1947। सो 1940 में आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। नेम द पॉलिटिकल लीडर हु सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी। अब ये क्वेश्चन, वो टू नेशन थ्योरी तो दी गई जिन्ना के द्वारा, अब गांधी जी, गोखले, जिन्ना, तिलक, तो जिन्ना ने इसे सपोर्ट किया, क्योंकि केवल उन जिन्हा ने ये नहीं कहा, तो इनने ये सपोर्ट भी किया। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब स्टार्ट हुई थी? तो 1960, 1906, 1921, 1928, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई, और 1906 में ये स्टार्ट हुई। और जो आप अगर आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो कब हुई? तो 1940 में। अब एक बुक है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? नेहरू, गांधी जी, तिलक, अंबेडकर। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक लिखी गई। अब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक घंटा यहाँ पे जा रहा होगा, और शायद जाने वाला है आधा घंटा या 45 मिनट में हम इस वीडियो को फिर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। 100 MCQ हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें भी पता है कि आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम जो आपको अभी बता रहे हैं ना, ये एक तरह से केवल, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि हमें जो माइनर हमने सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है। तो ये वीडियो केवल उनके लिए हमने मेन बनाई है, क्योंकि अभी हमें भी पता है कि हमने इस टॉपिक को कवर ही नहीं किया, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ सकते और किसी को नहीं आ सकते, तो इसलिए इसके डिटेल वीडियो आपको मिलेंगी। और अगर आपका ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपके एग्जाम में ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो आगे देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन जो है, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गांधी जी, विवेकानंद, नेहरू, या फिर गोखले। तो नेहरू जो थे, इन्होंने लिखी एक तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो दो क्वेश्चन है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपके किस में, ये आपके कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेता है जब आप एंट्रेंस देते हैं। तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
पंच सील वेयर लेड डाउन इन द ईयर, पंचशील सिद्धांत जो थे ना उसके, वो कब रखे गए, 1961, 1955, 1954 या फिर 1950। तो 1954 में जो है ये सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत को रखा गया। बी आर अम्बेडकर वाज बॉर्न इन 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब आगे देख, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। 51 जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा, तो हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर्स ऑफ कंपरेटिव रिलीजन, गांधी जी, अंबेडकर, राजा राम मोहन राय या फिर तिलक। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय को एकदम आरंभिक स्कॉलर माना जाता है कंपेरेटिव रिलीजन में, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स वाज एक्सपाउंडेड बाय विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर ए ओ ह्यूम या फिर लेनिन। तो राजा राम मोहन राय ने नेचुरल राइट्स की थ्योरी को बताया, यानी कि जो हमें प्रकृति के द्वारा, जैसे हमें सांस लेने का अधिकार है, ये प्रकृति ने हमें दिया है। सो दीज आर दी नेचुरल राइट्स जो कि राजा राम मोहन राय ने बताए। फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज एडवोकेटेड बाई दयानंद सरस्वती, मुसोलिनी, हिटलर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को एडवोकेट किया। नेम ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर हु अप्रिसिएट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कौन थे पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने ब्रिटिश रूल को अप्रिसिएट किया था। देखते हैं, राजा राम मोहन राय, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। राजा राम मोहन राय, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो वो तो कुछ यहाँ पे सुधार भी हुए थे जैसे, तो इसलिए उन्होंने अप्रिसिएट किया था, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन और कुछ ऐसे सुधार जैसे सती प्रथा का अंत, इस तरीके से जो सुधार हुए, तो इसलिए एप्रिसिएशन कहा जा सकता है। आइडेंटिटी द फिलोसफर हु एडुकेट द डॉक्ट्राइन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म, सैयद खान, जिन्हा या फिर राजा राम मोहन राय या फिर तिलक। सो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद और यूनिवर्सलिज्म का जो डॉक्ट्राइन था उसको एडवोकेट किया। नेम द पॉलिटिकल थिंकर हु एक्सपाउंडेड लिबरल ह्यूमैनिटेरियन नेशनलिज्म, तिलक, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर अंबेडकर या फिर एमएन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1933 में राजा राम मोहन राय की डेथ हुई थी। वो रिकमेंडेड दैट रिलीजियस टोलरेशन वाज क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, राजा राम मोहन राय, तिलक, विवेकानंद, बोस। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो रिलीजियस टॉलरेशन है वो क्रूशियल है एक डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ग्रोथ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेम द फिलोसोफर हु बिलीव्ड दैट रिलीजन कंस्टिट्यूटेड द सेंटर ऑफ द वूल ऑफ म्यूजिक ऑफ नेशनल लाइफ ऑफ इंडिया, उस विचारक का, उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने कहा था दैट, वो बिलीव्ड दैट, जो ये विश्वास करते थे दैट रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट द सेंटर ऑफ द वूल ऑफ म्यूजिक ऑफ नेशनल लाइफ ऑफ इंडिया। जो नेशनल लाइफ है ना, राष्ट्र का जीवन है पूरे इंडिया का, तो वो उस धर्म को, जो धर्म होता है वो एक तरीके से पूरा सेंटर होता है उस, मतलब पूरा एक देश का या फिर इंडिया का, पूरे जो नेशनल लाइफ है, जो राष्ट्र का जीवन हमारा, राष्ट्रवाद है ये एक तरीके से, इसका जो सेंटर है वो धर्म है। ये किसने कहा था, तो विवेकानंद, गांधी जी, नेहरू, एम एन रॉय, विवेकानंद, ऑप्शन ए। हु इज डिस्क्राइब्ड एट टैमेर ऑफ सोल्स, यानी कि टैमेर ऑफ सोल्स किसे कहा गया, नेहरू, तिलक, विवेकानंद, एम एन रॉय, विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिलोसोफर हु वाज लिविंग एट अ क्रूशियल टाइम व्हेन लिबरलिज्म वाज एट द क्रॉस रोड,
उस उन दार्शनिक का क्या नाम था जो कि उस समय थे क्रूशियल टाइम में थे जब लिबरलिज्म जो था ना वो एकदम क्रॉस रोड पे था। सो एम एन रॉय, नेहरू एंड कौटिल्य गोखले। सो इसका जो वो इसका आंसर हो गया दैट इज आंसर डी गोखले। देखिए अभी आपको केवल इन चीज़ों को रटना है, ये हमें भी पता है कि आपके एग्जाम जो बहुत नज़दीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको आपको थोड़ी भी देर यहाँ पे केवल एक नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे रुकना है तो आप रुकिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास कोई और चारा नहीं है कि आप एक डिटेल्ड टाइम कहीं पे दे पाएँ, इसलिए आपको केवल रटने की अभी ज़रूरत होगी। तो पूरी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो इस हर एक सब्जेक्ट पे, एम एन रॉय पे, नेहरू पे, कौटिल्य पे पड़ी हुई है, गोखले पे, और जो विवेकानंद हैं, गांधी जी हैं, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, इसके साथ ही हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो अभी हमने बात की, इन सब के बारे में आएगी वीडियो। तो डिटेल्ड वीडियो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, ये जो इस तरीके के MCQ हैं, ये आपके दिमाग में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। जब आपके पास डिटेल्ड मटेरियल रहेगा ना, तो वो डिटेल्ड मटेरियल से आप न जाने हजारों MCQ बना लेंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास अगर एक MCQ है तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको बाद में। इसलिए आप बाद में, आप भले ही यहाँ पर एग्ज़ाम आपका अच्छा हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं कि आपने इन सब के बारे में पढ़ लिया था, आपको इन सब के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे नहीं, इस चैनल पे नहीं तो कहीं और, लेकिन गूगल से या फिर अपने बुकों से, किताबों से, कहीं ना कहीं से आपको इन सब पे बहुत अच्छे अच्छे विचारक हैं। जब हम इनके विचारों को पढ़ेंगे साथ में, तब हम इनके बारे में जानेंगे। तो हमें डिटेल में ये ज़रूर पढ़ना है, और हम इन सब की डिटेल्ड वीडियो डालेंगे। आपको कहीं और भी अगर जाने की ज़रूरत ना हो तो आप यहाँ पे भी आराम से देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन फ़िलहाल तो बस रटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हु मेड स्कैथिंग अटैक ऑन द ऑप्रेसिवनेस एंड हार्डनेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। किसने ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इसकी जो हार्डनेस है, इसके में मतलब कि इस पर अपनी बात कही या फिर अपना जो जोर होता है ना वो दिखाया। दैट इज तिलक, राजा राम मोहन रॉय, साई खान डी, या फिर गोखले, सैयद खान या फिर गोखले। तो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की हार्डनेस है इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर अगर बढ़ें, नेम द थिंकर हु कॉन्फेस्ड दैट द गॉस्पेल ऑफ इक्वलिटी वाज गिफ्ट ऑफ द मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ इनलाइटमेंट। तिलक, गोखले, एम एन रॉय या फिर लोहिया। गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें, सो हु डिस्क्राइब्ड गोखले एज द डायमंड ऑफ इंडिया, द जैवल ऑफ महाराष्ट्र। किसने कहा था कि गोखले डायमंड ऑफ इंडिया एंड जैवल ऑफ महाराष्ट्र हैं? बोस, नेहरू, लोहिया या फिर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुज रोल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द ऑफ एन एजिटेटर। एजिटेटर का रोल किसका था? सो तिलक, गोखले, रनाडे या फिर नेहरू। आंसर ए यानी कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक वर्क एज एजिटेटर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सट्रीमिस्ट नेशनल सेंटीमेंट्स इन द कांग्रेस। नेहरू, गांधी जी, गोखले, तिलक। सो ऑप्शन डी इज राइट, बाल गंगाधर तिलक। हु वाज रिगार्डेड एज द भीष्म ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किसको भीष्म कहा गया इंडियन नेशनलिज्म में? गांधी जी, नेहरू, तिलक या फिर अंबेडकर। बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज अ बिलीवर इन द
आद्विता फिलॉसफी, आद्वैत फिलॉसफी जो होती है उसके जो बिली उसको मानने वाले कौन थे? सो अंबेडकर, तिलक, गांधी जी, नेहरू। सो बाल गंगाधर तिलक थे, वो आद्वैत फिलॉसफी को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लीडर हु इंसिस्टेड, जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द लीडर हु इंसिस्टेड ऑन द इमीडिएट स्वराज और सेल्फ रूल, जिन्होंने इसकी बात की थी कि इमीडिएट एकदम तुरंत स्वराज और सेल्फ रूल की। तो तिलक ऑप्शन ए, नेहरू ऑप्शन बी, गांधी जी ऑप्शन सी, या फिर गोखले ऑप्शन डी। सो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की बात की थी जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थिंकर वो डिफाइंड स्वराज एज पीपुल्स रूल इंस्टीड ऑफ डेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, किसने जो जो होता है ना स्वराज, सेल्फ रूल, उसको कहा था कि लोगों का शासन हो ना कि ब्यूरोक्रेसी नौकरशाहों का। सो गांधी जी, तिलक, या फिर नेहरू, या फिर एम एन रॉय। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को कहा था कि वो लोगों का एक तरीके से शासन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप एक चीज़ अगर गौर करें तो स्वराज, स्वराज से लगभग लगभग जितनी चीज़ें आ रही हैं वो कहाँ से, बाल गंगाधर तिलक है। तो आप इशारा तो समझ रहे होंगे ना कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है। बाकी हर जगह एक ही इशारा काम नहीं करता, बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, गधे के लिए चारा काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द फिलोसफर हु एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू से एनीथिंग दैट वुड हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। नेम द फिलोसफर, उस फिलोसफर का नाम बताइए जो एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू से एनीथिंग दैट वुड हर्ट फीलिंग ऑफ अदर्स, जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ ना कहें जो दूसरे की फीलिंग को हर्ट करता है। नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या फिर सी श्री नारायण गुरु, या फिर ऑप्शन डी सावरकर। सो ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु ने कहा कि ऐसा कहें, उनके मतलब अपने फॉलोअर्स से कहा कि ऐसी बात कहें जो दूसरों को हर्ट ना करें। किसने? श्री नारायण गुरु। सावरकर वाज अ सपोर्टर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म, नॉन ऑफ दी एबव। सो कल्चरल नेशनलिज्म के सपोर्टर थे सावरकर। नेम द थिंकर हु कंसिडर्ड नेम टेम्पल्स टू बी सेंटर फॉर प्योरिटी एंड डेवलपमेंट। किसने कहा कि जो सेंटर हैं, जो टेम्पल्स हैं, ये सेंटर हैं प्योरिटी एंड डेवलपमेंट की? लोहिया, एम एन रॉय, श्री नारायण गुरु, नेहरू। सो श्री नारायण गुरु ने कहा। आइडेंटिफाई द फिलोसफर्स हु हेल्ड द व्यू डैट रिलीजन वॉज नॉट अ मेयर सेट ऑफ राइट्स एंड सेरेमनीज बट अ वे ऑफ लाइफ। किसने कहा कि ये जो धर्म होता है ये केवल एक सेरेमनी यानी कि, और राइट्स जो हम करते हैं ना परंपराएं, इनका एक के ये नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का एक रास्ता है। सो ये किसने कहा? लोहिया, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी ई एम एस, या फिर ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु। तो श्री नारायण गुरु ने कहा। मैसेज ऑफ श्री नारायण गुरु बिकेम द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म। सो सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता के, पंथ निरपेक्षता के जो प्रिंसिपल हमने मॉडर्न अपनाया, इसके पॉइंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं कीजिए किया तो इसको शेयर करिए जल्दी से इस वीडियो को। तब तक हम अगली स्लाइड लगाते हैं, सेट 4, जिसमें हम 75 से लेके 100 यानी 100 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ पर हम 100 MCQ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स में थे। चलिए देखते हैं।
सो अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 76। द मेथड ऑफ श्री नारायण गुरु फॉर द इमैन्सिपेशन ऑफ ऑफ अनटचेबल वाज संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, कॉर्सियन या फिर रेवोल्यूशन। सो संस्कृताइजेशन था इनका जो मेथड था श्री नारायण गुरु का फॉर द इमैन्सिपेशन ऑफ अनटचेबल, मतलब जो अनटचेबल्स थे उनके लिए इनका जो मेथड था ये इमैन्सिपेशन का था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु बिलीव्ड दैट द नॉन वायलेंस इज द हार्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स। किसने कहा था कि नॉन वायलेंस अहिंसा ये हृदय है सभी धर्मों का? नेहरू, गांधी जी, तिलक, बोस, गांधी जी। अहिंसा की बात तो अगर आएगी तो आप पक्का गांधी जी को लगा ही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द फिलोसफर हु रोट द पार्टी पॉलिटिक्स हैज गिवन राइज टू पावर पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है किसने कहा था कि गिवन राइज टू पावर पॉलिटिक्स? गांधी जी, नेहरू, एमन रॉय, तिलक। सो एमन रॉय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिगार्डेड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन? नेहरू, सावरकर, एमन रॉय या फिर लोहिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु इज नोन एज द ह्यूमैनिस्टिक क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म? सुभाष चंद्र बोस, एमन रॉय, लोहिया या फिर EMS। सो एमन रॉय जो थे इन्होंने ह्यूमैनिस्टिक क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन रोमांटिक एंड रेवोल्यूशन इज अ मेजर वर्क ऑफ तिलक, गांधी जी, बोस, एमन रॉय। ऑप्शन डी, इन्होंने रीजन तर्क रोमांटिक एंड रेवोल्यूशन में बड़ा ये इनका मतलब एक बुक है या फिर इनका काम है महत्वपूर्ण। व्हील ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बाय, व्हील ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा? लोहिया, एमन रॉय, गांधी जी या फिर नेहरू? लोहिया के द्वारा लिखी गई व्हील ऑफ हिस्ट्री। हु एक्सपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म? एमन रॉय, EMS, लोहिया या फिर नेहरू? एमन रॉय, EMS, लोहिया, नेहरू में लोहिया ने डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म का सिद्धांत दिया। नेम द स्कॉलर हु बिलीव्ड दैट द करप्शन इज ईटिंग इनटू द वीटल्स ऑफ आवर पॉलिटिकल लाइफ? नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एमन रॉय, गांधी जी। सो जयप्रकाश नारायण ने इस बात को कहा था, करप्शन इज ईटिंग इनटू द वीटल्स ऑफ आवर पॉलिटिकल लाइफ। अम्बेडकर वॉज बर्न इन गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। सो महाराष्ट्र के मऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया वाज द टाइटल ऑफ द PhD थेसिस अवार्डेड टू डॉक्टर के एन राज, जिन्हा, नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनमें इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया जो टाइटल था PhD में थेसिस की। नेम द फिलोसफर हु बिलीव्ड दैट द स्टेट रिप्रेजेंट्स वायलेंस इज अ कंसेंट्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम? नेहरू, लोहिया, एमन रॉय, गांधी जी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गांधी जी। हु कंसीडर्ड सोशल डेमोक्रेसी एज वे ऑफ लाइफ? किसने कहा कि सोशल जो डेमोक्रेसी है वह एक जीवन का रास्ता है? लोहिया, अंबेडकर, गांधी जी या फिर नेहरू? ऑप्शन बी इज करेक्ट, BR अंबेडकर। ऑल इंडिया यूनिटी अनटचेबिलिटी लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर या फिर लोहिया? सो गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। हरिजन सेवक संगम वाज फॉर्म्ड बाय, नेहरू, अंबेडकर, गांधी जी, एमन रॉय। सो गांधी जी ने हरिजन सेवक संगम की स्थापना की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द सोशल प्रोफेट ऑफ अनटचेबल्स, गांधी जी, नेहरू, लोहिया या फिर बी आर अम्बेडकर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी आर अम्बेडकर। पूना पार्ट वाज साइंड इन, सॉरी ये पूना पार्ट नहीं, पूना एक्ट है, पूना एक्ट, पूना पैक्ट, पी ए सी टी, ओके। सो 1928, 1932, 1930, 1935। सो ऑप्शन टू इज करेक्ट, और ये पैक्ट है, पी ए सी टी, पी ए सी टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी उसका 1932 सही था। नेम्ड स्कॉलर हु डिस्क्राइब अम्बेडकर एज अ सोशल ह्यूमनिस्ट, डॉक्टर जाटव, ऑप्शन बी रजनी कोठारी, ऑप्शन सी डॉक्टर के एन राज, ऑप्शन डी हॉरार्ड लास्की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर जाटव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, श्री नारायण गुरुज डॉक्ट्राइन बिकेम द कैटलिस्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म, लिबरलिज्म, सोशल रिफॉर्म, टेररिज्म। सो सोशल रिफॉर्म के लिए श्री नारायण गुरु के जो सिद्धांत थे, एक तरीके से जो उत्प्रेरक बने, कैटलिस्ट, ठीक है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 95th क्वेश्चन है, यानी 95वां क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिलोसफर हु बिलीव्ड दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदुत्व एंड नेशनलिज्म। किसने कहा ये माना कि हिंदुत्व और नेशनलिज्म के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? विवेकानंद, गांधी जी, तिलक, सावरकर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिलोसफर हु रिकमेंडेड फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडर स्वराज। किसने फेडरल टाइप की गवर्नमेंट की बात कही थी, रिकमेंड की थी? नेहरू, तिलक, लोहिया, एम एन रॉय। ऑप्शन सी लोहिया। 97, हु बिलीव्ड दैट मैंस अल्टीमेट गोल इन लाइफ वाज सेल्फ रियलाइजेशन, नेहरू, लोहिया, गांधी जी या फिर गोखले? गांधी जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, महात्मा गांधी। आइडेंटिफाई द फिलोसफर हु विजुअलाइज द सेल्फ रियलाइजेशन इज सीइंग गॉड फेस टू फेस, मतलब खुद का आत्म होता है ना, खुद को देखना, खुद को रियलाइज करना। तो किसने कहा था कि वो भगवान को देखने के बराबर है? नेहरू, लोहिया, एम एन रॉय, गांधी जी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज आर एज ओल्ड एज हिल्स। किसने कहा कि जो ट्रूथ है, सत्य है, और नॉन वायलेंस अहिंसा है, वो उतने ही पुराने, उतने ही प्राचीन है जितने की पहाड़? सो गांधी जी, श्री नारायण गुरु, लोहिया, नेहरू। गांधी जी ने ये बात कही थी, और सत्य ट्रुथ की बात आएगी, अहिंसा की बात आएगी, तो आप पक्का गांधी जी को तो ऑप्शन में टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है नंबर 100, दैट इज हु वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ बोथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। एम एन रॉय, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद या फिर लोहिया? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी। वो जो कि हाईली क्रिटिकल फॉर बोथ वेस्टर्न, मतलब इम्पॉर्टेंट है सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के हाईली क्रिटिकल है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ये वीडियो फिर से एक बार बता देते हैं, वीडियो में हमने 4-5 बार इस बात को कहा है कि ये वीडियो केवल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। किसके लिए, आपको छोटा इसको कर देते हैं कि ये वीडियो आपके केवल एग्जाम्स के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का नाम रहेगा रटने के लिए, सिर्फ हम खुला कह रहे हैं, इसको केवल रटिए आप, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, इसमें कुछ मज़ा ही नहीं आया, ना हमें पढ़ाने में मज़ा आया, इसमें पढ़ाना ही क्या था, केवल वो लिखा हुआ है उसको हमें बता देना था, ये साफ सी बात है।
तो ना इसमें आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा ना आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर है कि ये आपका अगर पढ़ा हुआ था आपका या फिर नहीं पढ़ा हुआ था, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में आपको ये पढ़ लेना है, 100% में से कुछ तो आपका काम आएगा ही इसमें। अगली बात यहाँ पर आती है कि अब इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो तो आना है, लेकिन डिटेल्ड वीडियो कब आएंगी, तो हो सकता है कि हर हफ्ते में, देखिए हर हफ्ते में हम एक वीडियो डालते हैं, तो हर हफ्ते के हिसाब से लगभग धीरे धीरे आपको हर एक वीडियो मिलेगी, लेकिन डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। IR पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी कई सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी, उसकी बात हम धीरे धीरे करते रहेंगे हम क्या क्या यहाँ पे डालने वाले हैं इस चैनल पे। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर जो ये पूरा PDF था, क्योंकि हम रखेंगे नहीं अपने पास, आपको ही देना है, सो ये PDF अगर आपको चाहिए, अब इम्पॉर्टेंट बात, तो ये PDF आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो आपको हम टेलीग्राम चैनल की लिंक देंगे। तो ये उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, इसलिए आप जहाँ पे कमेंट करेंगे हम आपके कमेंट के नीचे वहाँ पे टेलीग्राम की रिप्लाई में लिंक दे देंगे, आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF आराम से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से। तो बाकी आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, आपको हमारी तरफ से ऑल दी इधर बेस्ट। ओके सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।